हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी एजी वसीम चैनल में। गाइस आज की वीडियो में हम पोको X6 प्रो का अनबॉक्सिंग करेंगे। गाइस पीछे की तरफ देख सकते हैं डिमेंसिटी का 8300 अल्ट्रा देखने को मिल जाता है। 1.5K 120 हर्ट्ज अमोलेड डिस्प्ले 64 मेगापिक्सल देखने को मिलता है विथ OIS 67 वाट का फास्ट चार्जिंग 5000 mAh की बैटरी डुअल स्पीकर का सपोर्ट है एंड ये हमारे पास वेरियंट है 512 GB 512 GB। तो गाइस देखेंगे कैसे क्या देखने को मिलता है, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। सो गाइस सिंपली करते हैं अनबॉक्स एंड सबसे पहले हमें मिल जाता है एक पाउच जिसमें हमको मिलेगा सिम इजेक्टर पिन, साथ ही गाइस कवर एंड इसके अलावा गाइस कुछ डॉक्यूमेंट पेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, अंदर की तरफ चले तो हमारा फोन देखने को मिलता है। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में एंड गाइस नीचे देखेंगे तो मिल जाता है हमें टाइप सी केबल एंड साथ ही 67 वाट का फास्ट चार्जर। अब दोस्त यहाँ से निकालते हैं अपने फ़ोन को इस रैपर से बाहर एंड गाइस देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी सही देखने में लगता है एंड यहाँ पे स्टिकर चिपका है, इसको मैं जल्दी से निकाल दूँ। ओके, डिज़ाइन देख सकते हैं बहुत ही शानदार लगता है, इन हैंड फील भी काफ़ी सही है एंड फ़ोन पतला भी है हल्का भी है तो अच्छा लगता है, बट वो जो ब्लैक पार्ट ऐड कर देते हैं ना कैमरा पे वो बिल्कुल ही सही नहीं लगता है। अब दोस्त नीचे की तरफ देख सकते हैं सिम टूल किट, प्राइमरी माइक, प्राइमरी स्पीकर एंड साथ ही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। राइट साइड की तरफ चलें सो यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम बटन एंड नीचे की तरफ आपको पावर अनलॉक बटन। ओके, ऊपर की तरफ देख सकते हैं सेकेंडरी माइक, सेकेंडरी स्पीकर एंड IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। एंड लेफ्ट साइड की बात किया जाए तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी इस कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का OIS के साथ में देखने को जाता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल सुपर मैक्रो। बाकी गाइस फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। बाकी इस बॉक्स में कवर तो मस्त क्वालिटी का देखने को मिल जाता है लेकिन देख सकते हैं पूरा अच्छे से कैमरा मॉड्यूल को प्रोटेक्ट नहीं करता है एंड इस पे गाइस अगर आप ऐसे करेंगे तो इस पे दाग जैसा पड़ जाता है, तो कवर तो अच्छा है क्वालिटी ओवरऑल। अब इस फोन में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इस बार पोको वाले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे दिए हैं तो काफी सही से ये अनलॉक कर देता है। साथ ही इसमें गई सुपर वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है तो देख सकते हैं कितना ये फास्ट वर्क कर लेता है। बाई चांस कभी कभी स्टक हो जाता है भाई, ये एनिमेशन मतलब हैंडल करना बहुत ही मुश्किल वाली बात है और मतलब सही परफॉर्म कर लेता है ओवरऑल। बाकी दोस्त यहाँ पे हाइपर OS का ऐप एनिमेशन भी देख सकते हैं, काफ़ी सही से वर्क कर लेता है, कोई भी मतलब दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। एंड गाइस अभी तक कोई भी मुझे जीटर फोन में नोटिस नहीं हुआ है सिंगल टाइम पे अभी, तो ओवरऑल यहाँ पे ऑप्टिमाइज तो अच्छा किया आई थिंक। एंड गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना मस्त जो टाइम है वो ऐसे नोटिफिकेशन पैनल से ऊपर की तरफ चला जाता है जब भी आप स्वाइप अप करते हैं, तो सही है। बाकी गाइस यहाँ पे हाइपर OS समय देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस हमारे पास है 512 GB वाला वेरिएंट एंड्रॉयड 14 के साथ में देखने को मिल जाता है, तो ये भी सही है। बाकी दोस्त डिस्प्ले में चलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है 120 हर्ट्ज़ कस्टम पे क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं या 60 हर्ट्ज़ अपने हिसाब से। बाकी गाइस यहाँ पे जो भी अनसपोर्टेबल ऐप्स हैं जो 120 हर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करते लाइक यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता तो उसको भी हम फोर्स करके 120 हर्ट्ज़ पे रन करवा सकते हैं एंड गाइस अब ये क्लियरली 120 हर्ट्ज़ पे स्विच हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा ये फीचर लगा। पोको F5 में भी ये फीचर था एंड ये हाइपर OS में भी फीचर है। अब दोस्त हाइपर OS काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 120 हर्ट्ज़ मस्त मतलब वर्क कर ले रहा है। एंड गाइस आउटडोर विजिबिलिटी भी देख सकते हैं फ़ोन का काफ़ी सही है, कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं क्लियरली आईफोन से कॉपीड है, बस सही लगता है लेकिन ओके। एंड यहाँ पे गाइस आप चिन और बेजल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी फ़ोन का पतला चिन और बेजल दिए हैं तो मतलब देखने में फ़ोन काफ़ी मस्त लगता है फ्रंट से भी एंड बैक भी ओवरऑल सही है ये कलर। हैप्टिक फीडबैक की बात की जाए तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, वाइब्रेशन मोटर का यूज़ किए जिससे एक्सपीरियंस सही मिल जाता है। बाकी दोस्त YouTube में ये 4K सपोर्ट करता है या नहीं वो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4K HDR सपोर्ट कर लेता है तो सही देखने को मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने 4K वीडियो डाउनलोड करके प्ले कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे काफ़ी मतलब सही परफॉर्म कर रहा है, बट काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना कि कुछ वीडियोज़ इसमें मतलब अटकना जैसा भी फील करा दे रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं 4K HDR हमने डाउनलोड किया है एंड अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, कोई भी सिंगल टाइम भी मुझे जिटर नोटिस नहीं हुआ। बाकी दोस्त यहां से वॉल्यूम को करते हैं फुल एंड साउंड क्वालिटी आप सुनिए। चारों तरफ जिसकी शहरत यूं इश्क नबी में चूर हुआ दुनिया की तलब
सो इसके स्पीकर्स मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी ज़्यादा लाउड भी देखने को मिलता है, तो ओवरऑल मतलब स्पीकर का एक्सपीरियंस मस्त है। अब दोस्त कैमरा ऐप में चले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट वीलॉग मोड मुझे इसमें नहीं नोटिस हुआ और उसमें सिर्फ एक ही प्रीसेट देखने को मिला तो अच्छा नहीं लगा। बाकी पोर्ट्रेट, नाइट मोड वगैरह सब देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे वीलॉग नहीं है, शॉर्ट फिल्म करके ऑप्शन देखने को मिलता है एंड सिर्फ एक ही है उसमें, बाकी 64 मेगापिक्सल से भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। बाकी दोस्त यहाँ पर आप इमेज क्वालिटी देखिए। सो गाइस ये वीडियो देख सकते हैं HDR 1080p 30fps पे शूट हो रहा है पोको X6 प्रो से, तो अभी सन का लाइट आ रहा है मेरे चेहरे पे, तो कुछ ऐसे मैनेज करता है। और इसके अपोजिट चलें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे मैनेज करता है, तो यहाँ पे आपको सन भी दिख रहा है और मेरा फेस भी, तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। एंड HDR वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं कैसा देखने को मिल रहा है, मैं बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस ये है नॉर्मल वीडियो, लाइक HDR को हमने ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विदाउट HDR ये कैसा परफॉर्म करता है, और ये रिकॉर्ड कर रहा है 1080p 60fps पे, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा क्वालिटी देखने को मिला है। बाकी अपोजिट चले सन के तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट HDR ये उतना अच्छे से आपको सन नहीं दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिल जाता है, तो मूव भी कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बाकी दोस्त ये भी वीडियो देख सकते हैं 4K 30fps पे शूट हो रहा है, और ये भी HDR के साथ में, तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा क्वालिटी देखने को मिल जा रहा है। भाई गाइस यहाँ पे अपोजिट चलें लाइट के तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे ये मैनेज करता है, तो अपोजिट चलने पे कुछ ऐसा, एंड स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है नॉर्मल HDR में, मतलब HDR में बेसिकली 4K 30fps पे, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्त ये है नॉर्मल 1080p 60fps पे, ये कैसा परफॉर्म करता है, HDR इसमें नहीं लगाए हमने नॉर्मल, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे कि स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हैं, अगेंस्ट लाइट भी देख सकते हैं, वैसे सन अब सेट होने ही वाला है, सनसेट होने ही वाला है बेसिकली, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा आपको वीडियो क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है। बाकी दोस्त ये है नॉर्मल ही 4K 30fps पे, HDR को हमने ऑफ कर दिया। एंड की सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बैक में आप 4K 30fps तक HDR में शूट कर सकते हैं, 1080p 60fps पे भी सपोर्ट करता है, तो बैक में तो अच्छा सपोर्ट दे दिया, बट फ्रंट में 1080p 30fps पे ही सिर्फ HDR काम करता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 4K 30fps विदाउट HDR ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड यहाँ पे अपोजिट चले वैसे सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं कैसा है, बिकॉज इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देता है। सो कैमरा मुझे ओवरऑल सही देखने को मिला, एंड स्टेबलाइजेशन अच्छे से वर्क कर लेता है, चाहे आप कोई भी मोड में वीडियो शूट करें लाइक 4K या 1080p या HDR कोई में भी, तो अच्छा परफॉर्म करता है। बट फ्रंट कैमरा मुझे फोटो के लिए ज़्यादा बेटर लगा, बट HDR भी मतलब ये अच्छे से कभी मैनेज कर लेता है कभी नहीं करता है। बाकी दोस्त अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात किया है तो देख सकते हैं फ्री फायर को हमने इंस्टॉल कर दिया, बाकी BGMI टेस्ट एंड फुल बैटरी रन टेस्ट जल्द ही आएगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, सारी वीडियोस आपको एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स 030 से इसका कैमरा भी कंपेयर करेंगे एंड परफॉर्मेंस वगैरह का भी करेंगे ही। सो गाइस यहाँ पे गेम प्ले देखिए, एंड आखिर में बता दें कि ये फ़ोन मतलब कैसा है गेमिंग के लिए, मतलब जितना अभी मैंने टेस्ट किया उस हिसाब से, बाकी इसका फुल रिव्यू भी आएगा तो वहाँ पर आपको और डिटेल में मालूम चल जाएगा।
takedown. तो गाइस वन वर्ड में कहूँ तो ये भाई गेमिंग फेबुलस करा देता है। मतलब मी 20 में जैसा मुझे स्मूथनेस देखने को मिलता था, इस फोन में भाई उसी लेवल का स्मूथनेस देखने को मिल रहा है। बाकी के हीटिंग टेस्ट इसका भी टेस्ट करेंगे एंड बैटरी रन टेस्ट करेंगे तो मालूम चलेगा उसमें ये कैसा परफॉर्म करता है। ओवरऑल गाइस ये फोन काफ़ी मुझे सही लगा। फर्स्ट इंप्रेशन, डिस्प्ले मस्त है, स्पीकर मस्त है, एनएफसी वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा है। कैमरा एवरेज साइड में है बट वो भी मतलब ठीक ठाक है, उतना बुरा भी नहीं है। तो ओवरऑल फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगा। लेकिन ये इसके रिव्यू का एंड फुल बैटरी रन टेस्ट का वेट कीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा। सो दोस्त फिलहाल में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।